इन्होंने न सिर्फ हमारे सर फखर से बुलंद किया बल्कि पूरे मुल्क को कौम का नाम रोशन किया, उनके लिए ताली। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन ख्वातीन हजरात को जो असूल इलम के लिए मुल्क और मुल्क से बाहर मेहनत कर रहे हैं, जिनमें नाइमा गुल और फौजिया ताहिर और दूसरे लोग शामिल हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम हाई अचीवर्स को जो अपने फील्ड में सबसे आगे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं तमाम वालिदैन को जिनकी मेहनत और कुर्बानियों से हम इस मकाम पर हैं। मैं सलाम पेश करता हूं इन तमाम ख्वातीन हजरात को जो इस मुश्किल दौर में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। आज ऐद का दिन है, आइए हम सब मिलकर मौलाए कायनात की हिदायत की रोशनी में हम जिंदगी गुजारें। आज का दिन आप सबको मुबारक हो और हम आपसे नज़्म ज़ब्त का की उम्मीद रखते हैं। Have a nice day. Thank you so much. करीम रहमान प्रेसिडेंट होल्डिंग यूथ एसोसिएशन गिलगित। ये प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आप तमाम जो आए हुए मेहमान है उनका अपना अंदाज है, तो आप सबको वेलकम पेश करने के लिए आ रहे हैं होल्डिंग स्काउट्स ग्रुप। सर कोई बुलंद फरियाद करता, सर कोई बुलंद फरियाद करता, उस गम उसे ना करे वलका, उस गम उसे ना करे वलका, मैं बुलबुली रही होने सबरे वेलकम, जमी जमी स्तोने सबरे वेलकम, फसले तो भी स्तोने सबरे वेलकम, जमी जमी स्तोने सबरे वेलकम। झूले को जाली मर तंग पी पी मर खुश से यारे तंग पी मर खुश से यारे तंग पी जा तंग पी उन तंग पी सबके सत्ता तंग पी जा तंग पी उन तंग पी सबके सत्ता तंग पी। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में हा, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में गोजल से निकल आया वेलकम भी उठा लाया, अभी आया हूँ तो जी कहने दो जी कहने दो, बड़ी मेहमान को वेलकम कह दो, अभी आया हूँ तो जी कहने दो जी कहने दो, बड़े मेहमान को वेलकम कह दो। वेलकम 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 एता सरवा वेलकम 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 रसे चिगुदरी सुता किस्ते वेलका वेलका मदित
जंतु जा मासूस मैं जंतु क्या कोसान आए वेलकम मैं जंतु की जासूस मैं जंतु जा मासूस मैं जंतु क्या कोसान तुसी वेलकम मैं तो क्या कोसान मैं तो हाजिर में फिर खुशामदीद कहने का हमारा एक रिवायती स्टाइल है ही, लेकिन इनोवेशन मस्ट खुशामदीद में हम इतरफ के बिहाफ पे गौरव की क्या अहमियत है, हमारे तरीके के अंदर इसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से बात करके मैं क्या समझता हूँ नौरोज के हवाले से, मैं वकील एक शेर में कहूँगा वो शख्सियत पे इस पर रोशनी डालेंगे। थ्रू सवाल सिखा पंसर खान दस्तर ईद नौरोज, थ्रू सवाल सिखा पंसर खान दस्तर ईद नौरोज, कुमरुम को तो कुमरुम तक तो कुमरुमोज, कुमरुम को तो कुमरुम तक तो कुमरुमोज। नौरोज के हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ अलवाइज मोहम्मद असलम साहब को कि वो अतरब के लिहाज पे आके नौरोज के हवाले से हाजरीन से मुखातिब। वइन तउदु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमारे इस बाबरकत बामकसद पुरौनक रूहानी और बहुत ही पामानी इंसानी महफिल के सदर मजलिस मोहतरम हुजूर मुफ्ती मोहम्मद गौहर साहिब और आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी काबिल एहतराम हमारे बहुत ही होनहार मुजफ्फरुद्दीन साहिब, इस रौनक महफिल में तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ इदारों में हेड करते हैं और हमारे फाइनेंशियल इदारों में हेड करते हैं, हमारे सोशल इदारों में हेड करते हैं, हमारे जमात के जमाती इदारों में आपके कंट्रीब्यूशन है और हमारे हर लिहाज से आप खिदमत अंजाम देते हैं। हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग बायो दोस्तों और इस महफिल के रौनक को दुबारा करने वाले मेरे काबिल एहतराम माओ बहनों और नौजवान बेटियों नौजवान बच्चों तमाम हाजरीन आप सब की खिदमत में या अली मदद। या अली मदद के बाद यहाँ पर खुशामदीद भी हो गई, अगर मैं खुशामदीद करने की कोशिश करूँ तो उस मज़े में भी फिर खिलापन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इंटरटेनमेंट की कुछ बातें भी हो गई, वो भी मैं कर सकूँगा, लेकिन एक बात जो इस तरह की महफिलों में मैं अक्सर करता हूँ वो ज़रूर बताऊँगा कि इस महफिल के हवाले से वो फिट आता है, वो बताता है कि प्यार का सिलसिला पुराना है,
प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है। और आपको देखिए, हम अक्सर अपनी देसी जुबानों में जिक्र करते हैं कि सोचे, मेरे ख्याल में ये महफिल आज ये प्रोग्राम हमें दावत देता है कि हम अपने ख्याल रखें। आज दो हवालों से मैं इस महफिल को मुबारकबादी पेश करता हूँ। सुने होंगी और उस हवाले से आपको इल्म है कि बहुत अहम ई कहते हैं कि ने उर्स के दिन मनाए, उसको मुख्तलिफ कौमों ने महफिल बताया है, कोई और नाम जरूर किया है, लेकिन जब तारीखी को उसको पेश किया जाता है वो ये है करने के साथ साथ वो उसको तामीर करते थे, तो अपने माशरे को, अपनी जमात को, अपने कौम को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को। और तीसरे फिलोसफी नौरोज की उसकी बातिनी तालीम की है कि इस्माइलियों ने एक बात बताई, यहाँ पर जो है रूहानियत की बात। उस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रूहानियत से उठाकर हमें सिंबल के तौर पर पेश किए थे उस आयत। मैंने तमाम लोगों को खुदा से डरता हो, खुदा से मोहब्बत करता हो, खुदा की नाराजगी के बारे में हमेशा परेशान रहता हो, तो नौरोज की जो तीसरी फिलोसफी रूहानियत वो यही है कि हम एक ही नफ्स वाहिदा से हमारे पैदाई और उस नफ्स वाहिदा का ताल्लुक उस नूर के साथ है जो कायनात के तख्लीक का सबब है। एक और पैगाम जो देता है वो, क्योंकि ये पूरे सरजमीन में, पूरे इलाकों में नौरोज के असरात इस दिन के हवाले से अपने बेलोस खिदमत और क़यादत लेकर मुसलमानों को एक अलग कौम की एहसासी दुनिया के सामने लाया। तो हाजिर जमात, मिली नगमा के लिए मैं दावत देती हूँ सीमा एंड ग्रुप के वार की मिली नगमा पेश करें। सीमा एंड ग्रुप पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है, है कलमा बेवाहिद परचम भी हमारा है। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है, है कलमा बेवाहिद परचम भी हमारा है। हम यक दिल हम यक जान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ओ हर जानो मंजिल पर मिल्लत के दिल जानो, इख़लास कभी तंसीर मिल्लत कुरान, अल्लाह नबी कुरान। हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, हम सब के है पहचान, हम सब का पाकिस्तान। सब दिल नशीन होंगे और पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान तहकार भी झूमेंगे। सब दिल नशीन होंगे और पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शान तहकार भी झूमेंगे। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान, जा रहा हूँ।
गुलकिन स्काउट्स ग्रुप को वो आपके सामने पेश करेंगे ड्रामा जिस ड्रामे का नाम है इजहार-ए-ख्याल गुलकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो शायद मोर्ज़ अफ़्रवित बेच की बेच तारे गिर्फ नहीं तक छे दफ़े नगा पाख पोस्त छे मुखे न बेच दिस्तार बिश मसाफो जो खशिरुई बेचिवा जो शायद मोर ज़माना, जो जुआना, जो नान जो फी, जो फूपी, जो वोस कॉमिस कोई बुखार नहीं, चाय स्पोज़ालें चुप्पसा मुने चिंशाले, वोस Welcome to you in our program, Mr. Yahoo.com. So, fun team, Ronekana Muspan Nedim.